अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लीलास किचन। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी चिकन शेजवान हॉट डॉग्स। ये बनाना बहुत ही आसान है और बच्चों का ये बहुत ही फेवरेट होता है। तो आइए चलिए हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 250 ग्राम्स बोनलेस चिकन ली है और मैंने इसे छोटे छोटे क्यूब्स के शेप में कट कर लिया है। अब हम इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर लेंगे, फिर इसमें 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून मैदा, 1 टेबलस्पून ही कॉर्नफ्लावर, 1 अंडा, 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करके 30 मिनट्स के लिए मैरिनेशन के लिए रख देना है। हो चुके हैं, अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। इस स्टेज पे हमें ये ध्यान देना है कि चिकन के पीसेस को हमें सिंगल सिंगल डालना है, वरना वो आपस में चिपक जाएंगे क्योंकि हमने इसमें मैदा डाला है। अब इसे दोनों तरफ से अच्छी तरह से पलट कर पका लेंगे। देखिए कैसे क्रिस्पी चिकन फ्राई होकर तैयार हुए हैं। अब हम इसे निकाल कर एक प्लेट में रख देंगे। चलिए अब हम अपनी सॉस की तैयारी करते हैं। सॉस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून तेल में 15 से 16 लहसुन को बारीक क्रश करके डाल दिया है। अब हम इसे बिल्कुल अच्छी तरह से भून लेंगे। भूनने से लहसुन जो है वो क्रिस्पी भी हो जाएंगे और उनका कच्चापन भी चला जाएगा। फिर हमने इसमें एक प्याज जो मैंने डाइस करके डाला है और एक कैप्सिकम उसे भी मैंने डाइस करके डाला है। अब इन दोनों को डालकर लहसुन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि शिमला मिर्च और प्याज वो भी सॉफ्ट हो जाए। ध्यान रखें कि हमें यहाँ पर इन्हें पूरी तरीके से गलाना नहीं है। अब हमें यहाँ 1 टीस्पून सोया सॉस डालना है, 1 टीस्पून ग्रीन चिली सॉस और 1 टीस्पून ही रेड चिली सॉस। 2 टेबलस्पून मैंने शेजवान चटनी ली है। अब इसे हमें बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स करना है और ध्यान रहे कि ये सारा प्रोसेस हमें तेज आंच पे करना है। अब हम इसमें 1/2 कप पानी मिक्स कर लेंगे ताकि हमारी ग्रेवी थिक ना हो जाए। अब इसी स्टेज पे हम 1/2 टीस्पून सॉल्ट और मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और 2 टेबलस्पून पानी का घोल बनाकर एक स्लरी बना लिए। अब उसे हम धीरे धीरे ऐड करके उसे मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे कि हमें ये गाढ़ा ही रखना है। अब हम इसमें अपनी क्रिस्पी फ्राई चिकन ऐड करके इसे बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सारा सॉस जो है इसमें आपस में लिपट जाए। देखिए अभी हमारी स्टफिंग बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। चलिए अब इसे हॉट डॉग में फिल करते हैं। मैंने हॉट डॉग्स ब्रेड लिए हैं और इन्हें मैंने दो तरीके से कट किया हुआ है। एक मैंने साइड कट किया है और एक को मैंने ऊपर से कट किया हुआ है। अब हम अपने स्टफिंग्स को फिल कर लेंगे और फिल करते वक्त ये याद रहे कि हमें कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा फिलिंग होगी उतना ज़्यादा टेस्ट। अब इसके ऊपर हरा धनिया से गार्निश कर देंगे। देखिए माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी हॉट डॉग्स बनके हमारे तैयार हुए हैं। खुद भी खाइए, अपने बच्चों को खिलाइए, दुआओं में याद रखिए।